माँ, ऐसा काम करके आऊंगा कि सारी दुनिया याद करेगी। बेटा, कहीं रेलगाड़ी में ही मत सो जाना। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर कैप्टन सौरभ को छोड़ने गए परिजनों को क्या पता था कि बेटे से उनकी यह आखिरी मुलाकात होगी। इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग उन्हें याद करें। सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को अमृतसर, भारत में हुआ था। इनकी माता का नाम विजया व पिता का नाम डॉक्टर एन के कालिया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर से हुई। इन्होंने स्नातक उपाधि बीएससी मेडिकल एचपी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश से सन 1997 में प्राप्त की। वे अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र थे। अगस्त 1997 में संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा द्वारा सौरभ कालिया का चयन भारतीय सैन्य अकादमी में हुआ और 12 दिसंबर 1998 को वे भारतीय जाट रेजिमेंट इन्फेंट्री के साथ कारगिल सेक्टर में हुई। 31 दिसंबर 1998 को जाट रेजिमेंटल सेंटर बरेली में प्रस्तुत होने के उपरांत वे जनवरी 1999 के मध्य में कारगिल पहुंचे। 14 मई को कैप्टन कालिया 5 जवानों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। जब वे बजरंग चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों को देखा। कैप्टन कालिया की टीम के पास ना तो बहुत हथियार थे, ना अधिक गोला बारूद, और साथ सिर्फ 5 जवान। वे तो पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और गोला बारूद भी। पाकिस्तान के जवान नहीं चाहते थे कि ये लोग वापस लौटें। उन्होंने चारों तरफ से कैप्टन कालिया और उनके साथियों को घेर लिया। वे 22 दिनों तक उनकी कैद में रहे और 9 जून 1999 को पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके शव सौंपे गए। लेकिन जो शव सौंपे गए, उनकी हालत विभत्स थी। उन्हें क्रूर यातनाएं दी गई थी। इन सभी असीमित बर्बरता से गुजरते हुए ये सैनिक नहीं टूटे। यह उनकी देशभक्ति, धैर्य, दृढ़ संकल्प, तप और वीरता को दर्शाता है। पाक सेना ने उनके शरीर को सिगरेट से जलाने, आंखों को फोड़ दिया गया था, कानों को गर्म लोहे की रॉड से छेदा था, हड्डियां तोड़ दी गई। ज्यादातर दांतों और हड्डियों को तोड़ने के अलावा सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी और उन्हें तड़पते हुए मरने पर मजबूर किया गया। बावजूद इसके, देश के इन होनहार और वीर सपूतों ने दुश्मन देश के क्रूर सैनिकों के आगे हथियार नहीं डाले, जो कि अपने आप में ही वीरता का सबसे बड़ा दुर्लभ परिचय था। 22 दिन बाद उन्होंने कैप्टन कालिया और उनके 5 सिपाही अर्जुन राम, भीका राम, भंवर लाल बगरिया, मूला राम और नरेश सिंह की हत्या कर दी और भारत को उनके शव सौंप दिए। उस समय बमुश्किल बात हो पाती थी। उनकी जॉइनिंग को मुश्किल से 3 महीने हुए थे। हमने तो उन्हें वर्दी में भी नहीं देखा था। फोन तो तब था नहीं, सिर्फ चिट्ठी ही सहारा थी, वो भी 1 महीने में पहुंचती थी। एक अखबार से हमें सौरभ के पाकिस्तानी सेना के कब्जे में होने की जानकारी मिली, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने लोकल आर्मी कैंटोनमेंट से पता किया। मई 1999 की दोपहर जब सौरभ की मम्मी विजया कालिया को यह खबर मिली कि उनके बेटे का शव मिल गया है, तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब कैप्टन कालिया का शव उनके घर पहुंचा तो सबसे पहले भाई वैभव ने देखा। उस समय हम उनकी बॉडी पहचान तक नहीं पा रहे थे। चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था, ना आंखें, ना कान, सिर्फ आईब्रो बची थी। उनकी आईब्रो मेरी आईब्रो जैसी थी। इसी से हमें उनके शव को पहचान पाए। सौरभ अपनी माँ को कुछ ब्लैंक चेक साइन करके दे गए थे, ये कहकर कि मेरी सैलरी से जितने चाहे पैसे निकाल लेना। लेकिन सौरभ की पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद अकाउंट में आई। माता पिता द्वारा सेना में भर्ती हुए अपने 22 साल के जवान गबरू सौरभ कालिया को अमृतसर रेलवे स्टेशन से विदाई देने के बाद दोबारा कभी वापस उसी वर्दी में जिंदा देखने का अवसर हासिल नहीं हुआ, जिसका उन्हें आज भी मलाल है। सौरभ कालिया के जीवन में कुछ इत्तेफाक संजोग भी देखने को मिलते हैं। वे बजरंग बली के भक्त थे और संयोगवश कारगिल युद्ध के दौरान बजरंग पोस्ट से ही शहीद हुए। कारगिल जाने से पहले अपनी माँ के लिए इस बहादुर सैनिक के अंतिम शब्द थे,
कि देखना माँ, एक दिन आपका बेटा ऐसा काम कर जाएगा कि ये दुनिया हमेशा उसका नाम याद रखेगी। कैप्टन सौरभ ने कारगिल युद्ध में महाभारत के अर्जुन की तरह अपने शौर्य का परिचय दिया। उनके पिता डॉक्टर एन के कालिया ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उठाया था। इन 21 सालों में सौरभ के परिवार ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया है। ह्यूमन राइट कमीशन, भारत सरकार और सेना के न जाने कितने चक्कर काटे। उनका परिवार चाहता है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी सौरभ और उनके साथ पेट्रोलिंग पर गए जवानों के साथ दिखाई, उसे लेकर पाकिस्तान पर कार्यवाही हो, मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए पहल सरकार को करनी होगी। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके पिता के पास सौरभ के लिए देश भर में लगाई अपीलों से जुड़ी एक फाइल है। वो कहते हैं, जब तक जिंदा हूँ तब तक इंसाफ की कोशिश करता रहूंगा।